हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, देखते हैं इस वीडियो में क्या मज़ा आता है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोग एंड तक देखिए, क्लाइमेक्स बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट भी हो चुकी है। ओके ठीक है, गेम स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग पॉइंट तो सबको ही पता है किस तरह से स्टार्ट होती है गेम। चलिए गेम के बारे में, शार्क के बारे में बात करते हैं। शार्क जो है एक्चुअली, ये मेरे को जो डेली बोनस की बात मैंने करी थी पिछली वीडियो में, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे उसमें डेली बोनस के बारे में मैंने बताया था। तो डेली बोनस में ये अनलॉक हुई थी और तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ उसी तरह से। एक्चुअली इसका जो बेनिफिट है पीछे से हल्की है और बहुत ही एक्टिव है शार्क बाकी दूसरी शार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरी शार्क जो है वो बहुत ही मोटी मोटी हैं, तो उनको थोड़ा सा घूमने में टाइम लगता है। और इस शार्क में एक खासियत भी है, वो आपको आगे पता लगी। देखिए आप, ये इनविजिबल हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस टाइम ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही। अच्छा हाँ ठीक है, बड़ी शाखों खा गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बॉम्ब्स लगा रखे हैं, इनको इनसे बचना है। अगर इस शाख की बात करें तो ये बहुत ही एक्टिव है, एक्चुअली बहुत ही फुर्तीली है, तो दूसरी जो शाख है उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही एक्टिव है। काफी लड़ाई हुई है, कहाँ पे? अच्छा दोबारा से पकड़ लिया। ओफ शिट, सरवाइव 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 सरवाइव। चलो 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 चलो, ये थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं बच के। आप देख सकते हैं कि उसका जो लाइफ थी वो बिल्कुल ही कम हो गई थी, अभी भी कम ही है। तो इसके लिए मुझे जो बहुत सारी शाख, अभी छोटी छोटी जो मछलियाँ, उनको खाना पड़ेगा कि मेरे वापस क्रिटिकल। ओके, मिल गया ही है उनको। हंटर्स को खाना है यहाँ पे, और वो छोटी सी जो मछली अनलॉक हुई है उसको मेरे को सेफली आगे तक लेके जाना है, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख ही चुके होंगे। ओके बहुत सही 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 बहुत सही। ओहो शिट, मार दिया हंटर। इनके पास है तीर से होते हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। एक कॉइन चला गया, ओके गोल्ड रश मिल गया मेरे को। अभी मैं अटैक कर सकता हूँ और बूस्ट भी मेरे को मिल चुका है काफ़ी तेज से। एक क्या चीज़ थी, और फिर से ये हंटर्स को पहले खाओ, ये सीधे मारते हैं तीर। शाबाश 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 शाबाश। गेम के प्लस पॉइंट के बारे में बात अगर करें तो गेम का प्लस पॉइंट ये है कि इस वाले जो प्ले में काफ़ी सस्पेंसफुल म्यूजिक है, और म्यूजिक के बारे में तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में चेक करिए। इसमें भी बता देता हूँ दोबारा से, क्योंकि अगर आप इसके इसके वो अगर आप इस पे गेम प्ले बना, ओह शिट काफ़ी बड़ी शार्क थी। कोई बात नहीं, दोबारा से गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। इसके अगर म्यूजिक की बात करें तो काफ़ी सस्पेंसफुल म्यूजिक है, और इस पे कॉपीराइट आने के 0 चांसेस हैं, तो कोई क्लेम नहीं आता अगर आप इसके म्यूजिक को यूज भी कर लेते हैं फिर भी। अगर इस पे गेम प्ले वीडियो बनाते हैं इजीली यूज कर सकते हैं, आपको म्यूजिक चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़े। ओ ये अजीब सी मछली, इसको टच करो तो ये बहुत मोटी सी हो जाती है और खा नहीं सकते इसको अभी। इस वाली शार्क तो फिलहाल नहीं खा सकते। बस ये इसको तोड़ो। हाँ ठीक है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, ये चला जाता है पेट के अंदर, तो
हेल्थ खराब हो जाती है शार्क की, तो उसको खाने से बचना है। ये अच्छा है, इसमें ये दिखाई नहीं देता, देखा आपने? ये इस मछली को खा मुंह लगाते ही वो इतनी बड़ी हो जाती है। ओहो शाबाश शाबाश। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उतना सरवाइव करिए, क्योंकि आपके लेवल वहीं पे ही बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा सरवाइव करेंगे उतने ज़्यादा। ओह शाबाश, फाइट चालू है बड़ी मछली के साथ। और भी हैं शायद नीचे। एक मिनट, पहले मैं अपनी फूड लाइफ को बढ़ा के फिर दोबारा से खाली करता हूँ इसे। दोबारा देखते हैं। ओहो ओ फिर से आ गया था। इसको तो पहले शिकार करो, डायरेक्ट बंदूक मारता है। शाबाश वेरी गुड। ओह सही है सही है सही है सही है। खत्म करो खत्म करो इन्हें, हंटर्स को, हंटर्स को खत्म करो पहले। ओहो अब तो कोई नई जगह है, चलो चलते हैं। ओह वहाँ तो आग लग रही थी, वापस आओ। ठीक है, गोल्ड रश है, यूज करो अच्छे से, अब अच्छे से पॉइंट मिलेंगे। काफी दूर कहीं विजुअल है, इसलिए हमारी शार्क जो है बहुत ही छोटी हो गई। ओके प्रोटेक्ट बेबी शार्क। अच्छा ज्यादा दूर आ गया क्या? कोई बात नहीं, बेबी शार्क को हमें प्रोटेक्ट करना है। और बहुत तगड़ा धमाका था, उछाल दिया उसने ऊपर को। गार्बेज को मैं ईट कर गया। ओ ग्रुप ऑफ फिशेस। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस टाइप से अगर आप खाते हैं छोटी मछलियों को तो काफी पॉइंट्स मिलते हैं आपको, इकट्ठे काफी पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा इसको तोड़ना है, इसको तोड़ के देखते हैं क्या होता है। ओके ओके ओके। हेल्थ क्रिटिकल हो गई है, पहले हमें हेल्थ इंक्रीज करनी है। खतरा है यहाँ पे चारों तरफ से। ठीक है कोई नहीं, गोल्ड रश मिल चुका है, दोबारा वापस जाने का वहाँ पर मौका ही लग पाता है। थोड़ी सी वीडियो काफ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो ठीक है। सर्वाइविंग स्ट्रॉन्ग, क्रिटिकल कंडीशन है। वीडियो एक्चुअली इस वजह से थोड़ी बड़ी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा था मेरे को खेलने में। तो अगर आप इस शार्क को यूज़ करके खेलेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव है। आप जैसे मूव करोगे इसको बहुत ही तेज मूव होती है, तो ये बेनिफिट की वजह से मैं इसको काफ़ी लंबी खेल गया गेम को। ये जाल को तोड़ रहा, हाँ टूट गया, ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसी की ही गेम है जो पहले। ओहो अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा से आ जा, दोबारा से आ गया हूँ मैं। तो मैं गेम की बात कर रहा था, इसी का ही एक पहले वर्जन आया था, हंग्री शार्क एवोल्यूशन करके। तो उसके ग्राफिक्स एक्चुअली इतने अच्छे नहीं थे, सिमिलर ही गेम है बस वो ये थोड़ा सा प्रो वर्जन है। तो और इसके ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, तो इनकी दोनों के कंपैरिजन में एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें आप देखिए कि दोनों में क्या ही डिफरेंस है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एवोल्यूशन में क्या है और हंग्री शार्क वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। सो हंग्री शार्क वर्ल्ड है, इसके जो विजुअल्स है काफ़ी क्लियर है, और इसकी अगर सेटिंग में जाओगे वहाँ से भी आप विजुअल्स को, ग्राफिक्स को और हाई कर सकते हो अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है।
अच्छे ग्राफिक्स के लिए तो और भी इंक्रीज कर सकते हो। वैसे बेस्ट है, बेस्ट दिखाते हैं वो बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आपको और इंक्रीज करना है तो और इंक्रीज कर सकते हो, उससे और भी क्लियर आपको दिखाई देगा, तो आप जाके कर सकते हो वहां से। तो ये देखते हैं, कोई जहाज है, टूटा पड़ा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे न्यू वीडियोस मैं लाता रहूँगा। ओके, कोई नई जगह पे हो, यहाँ पे तो बड़ी मछली है, यहाँ से बाहर निकलो भाई, कोई तिजोरी में फंस गया मैं। मेरी शाख इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पे सरवाइव कर सके, और यहाँ पे मछलियाँ भी नहीं है। बाहर निकलो। ओके ओके, बाहर निकल गया मैं, तो बाहर निकल चुका हूँ। शाबाश 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 शाबाश। वैसे हेल्थ क्रिटिकल है भाई, सरवाइव होना मुश्किल है। ठीक है, शाबाश, लड़ ले ओके। भाई साहब, तीन शाख ने हमला किया था लेकिन बच गए हैं हम अभी। यहाँ पे ये जो एरिया है ये थोड़ा सा हॉट है, यहाँ पे आग जल रही है ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे अगर आप फंस जाते हैं और दीवारों को टच करते हैं तो वॉल्केनो में आप एंटर कर चुके हैं। इस एरिया का नाम है वॉल्केनो। गोल्ड रश और एक डायमंड भी मिल चुका है वहाँ पे। देखिए, टू हॉट टू हैंडल, हैंडल करने के लिए यहाँ पे बहुत ही हॉट है, तो हैंडल करना मुश्किल है, यहाँ से बाहर निकलना। एक और गया को ये हंटर 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 को खत्म करो। और यहाँ पे भी कॉइन्स मिले हैं, 500 500 कॉइन मिले हैं। वो शाबाश 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 शाबाश। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सजेस्ट करिए कौन सी गेम प्ले पे वीडियो बनाऊं, आप लोग सजेस्ट करिए, कमेंट में बताइए, उसी पर मैं गेम प्ले बना दूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय।